हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही रमज़ान में बना करके आप आराम से खा सकते हैं और बड़े बड़े और बूढ़े बच्चों को सबको बहुत ही पसंद आती है। तो बहुत ही आसानी से आप बाज़ार से अच्छा घर में बना के खा सकते हैं। मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, आप 30 से 40 रुपये के अंदर आराम से अच्छे से जितना पेट भर के आराम से खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फालूदा की रेसिपी, जो आज हम फालूदा बनाएंगे और उसमें सेवई भी बताएंगे कि इसकी सेवई कैसे बनती है घर में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हमने हाफ कप का यूज़ किया है और इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आप कोई भी कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं, दोनों एक ही है। और ये देखिए, आज हम मशीन से बताएंगे। इससे पहले हम वीडियो डाल चुके हैं गाइज, जो हमने पन्नी से बताया था, लेकिन पन्नी से बहुत अच्छा से नहीं बनता है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इस मशीन से बहुत ही अच्छा शेप आता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए आज आपको इस मशीन का हम यूज़ करके बताएँगे आपको। तो देखिए, हाफ कप हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया है और उतना ही हम इसे 2.5 गुना पानी डालेंगे, मतलब 2.5 कप हम पानी डालेंगे। जिस कप आप कोई भी कप ले लीजिए मेजरमेंट का, उसी कप से आप 2.5 गुना पानी डालिए, तभी आपका ये बैटर जो बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी हमने गैस पे नहीं चढ़ाया है, जिस पैन में हमें पकाना है उसी में हमने डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई लम्स नहीं पड़ना चाहिए गाइस, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ही हम इसको गैस पर चढ़ाएँगे। गैस ये बहुत जल्दी पक जाता है और बहुत ही आराम से पक जाता है। तो चलिए देखिए, इसको पहले हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी, कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा, हम रमज़ान में इसको बनाए हैं और खाए हैं, सबको बहुत ही पसंद आया है। तो देखिए, अब हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दिया है और इसको लगातार चलाना है, हाथ को रोकना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आपके जो ये कॉर्न स्टार्च है नीचे जलने लगता है। तो इसको हाथ को ज़रा सा भी नहीं रोकना है और मीडियम को स्लो या मीडियम ही रखना है, गैस को मीडियम पे ही रखना है। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा नीचे ठीक सा होने लगा और जलने लगा, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और अच्छे से इसको स्टर करते जाएंगे। तो ये देखिए, जितना अच्छे से होगा मिक्स कर दीजिए इसको और मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से इसको, जब तक ये ट्रांसपेरेंट जैसा ना हो जाएगा और ये गोला सा ना बन जाएगा, तब तक इसको हमें अच्छे से पकाना है। इसको हमें तब तक पकाना है जैसे मोम जैसा ना दिखने लगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब तक हमें पकाना है। तो गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो पे रखेंगे गैस, तेज़ गैस को नहीं करना है और अच्छे से इसको स्टर करना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमें कम 10 मिनट लगेगा इसे पकाने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइज। और इसको ठंडा नहीं होने देना है, अगर ठंडा इस ये बैटर हो जाएगा तो हमारी जो सेवई है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, ये पक गया बहुत अच्छे से। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए, बिल्कुल झलकने लगा, मोम जैसा ट्रांसपेरेंट दिखने लगा। तो इसको हम जो है देखिए, इसमें हम तेल लगा दे रहे हैं ताकि चिपके नहीं इसके अंदर, और इसमें हमने जो और ऊपर भी तेल लगा देना और इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, हम गरम गरम में ही डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरम है ये, और डाल करके अच्छे से इसको पूरा ऊपर तक कवर नहीं करना है गैस, नहीं तो जब हम ये डालेंगे इसका बटन इसका कैप हम लगाएंगे तो ये बाहर निकल सकता है। तो इसको जहाँ तक हो सके हाफ कप के ऊपर ही थोड़ा सा रखिएगा, 1/4 कप खुला रहना चाहिए। तो ये देखिए गाइस, इसमें हमने डाल दिया और पानी को बिल्कुल चिल्ड लेना है। अगर हो सके तो बर्फ़ डाल दीजिए आप, बर्फ़ डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारे पास आज बर्फ़ नहीं था तो बिल्कुल चिल्ड पानी था हमारे पास, तो हमने चिल्ड पानी का यूज़ किया है। तो ये देखिए, हम इसको सेवैयों को अपने डालते जाएँगे और ठंडे पानी में इसको डालते जाएँ, बहुत गर्म है इसे, इसको जो है कपड़े से पकड़ करके हम मशीन को कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल रहा है। तो ये देखिए, सब हमने सेवैयाँ इसमें डाल दी, प्रेस करते जाएंगे और बहुत अच्छे से निकलता जाएगा। बहुत ही आसानी से मार्केट से भी अच्छा हम ये सेवैयाँ अपने घर में बना सकते हैं, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए, अभी इसको हम आपको हाथ में लेके दिखा रहे हैं लेकिन अभी ये सेट नहीं हुआ, इसको हम फ्रीज में रख
सॉरी, फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, फिर जब सर्व बनाना होगा तब निकालेंगे। ये देखिए हमने इसमें दूध ले लिया है, इसका मिल्क बनाएंगे और इसमें हाफ़ क्वांटिटी, हाफ़ कप के करीब शक्कर डाल दिया। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। और एक चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और दो चम्मच हमने मिल्क पाउडर डाला है। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। और कस्टर्ड हमने वनीला का फ्लेवर का लिया है। तो इसको अच्छे से हम पका लेंगे दूध को, थोड़ा सा गाढ़ा होने तक, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है गाइज़। तो हमने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए, तो अभी निकालते हैं उसको हम ठंडा इसमें सर्व करने के लिए। तो देखिए हम इसमें रूह अफ़ज़ा का डाल ले रहे हैं। आप कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं, कोई क्रश डाल सकते हैं इसके सबसे नीचे वाले में। तो इसमें हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, रूह अफ़ज़ा फ्लेवर का बनेगा ये। तो ये देखिए हमने जो सेवैया बनाई थी इसको निकाल दिए, देखिए कितनी वाइट हो गई है और बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। और इसको अब हम चलिए इसमें डाल करके आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं। तो हम इसमें जिसमें हमें सर्व करना है उसमें थोड़ा थोड़ा करके सेवैयाँ डाल देंगे। रूह अफ़ज़ा हमने पहले डाल दिया है, अब सेवैयाँ डाल देंगे, तीनों में डाल देंगे। और हमने इसमें दूध बलंगा का यूज़ किया है। आप चाहें तो ये देखिए हमने भिगो करके दूध बलंगा रखा था, ये डाल देंगे। बिल्कुल गैस मार्केट स्टाइल बनेगा। और जो हमने मिल्क ठंडा करके रखा था फ्रिज में उसे डाल देंगे। ये देखिए इसको डाल देंगे, जितना आप बनाना चाहें उतना आप डाल सकते हैं मिल्कों को। और इसमें अब हम आइसक्रीम घर की मेरी बनी हुई है उसको हम डाल देंगे। कुल्फ़ी है ये मेरी वनीला फ्लेवर की, उसको हमने डाल दिया। और तीनों में डाल देना है। आप चाहें तो बगैर आइसक्रीम में भी खा सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप बाहर की भी आइसक्रीम का यूज़ कर सकते हैं अगर घर में आप नहीं बना सकते। और ये देखिए हम इसमें दूध बलंगा और डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा दूध बलंगा रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए इसमें हम थोड़ी सी चेरी डाल दे रहे हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसमें हम। गैस बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप घर में आराम से बनाइए इसको, खाइए और खिलाइए, बहुत ही मज़ा आता है इसको बनाने में और खाने में। तो ये देखिए हमारा ये काजू थोड़ों से हम डेकोरेट कर दे रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये रूह अफ़ज़ा फ्लेवर का वो तैयार हो गया फालूदा। तो ये वीडियो देखिए कैसी लगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा गाइज़, और कमेंट में बताइए कैसे लगा। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।